और वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना पर सियासत भी गर्म है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पोस्ट किया है और लिखा है कि शुरू हो गई है पात्र और अपात्र की छटनी, सरकार इस योजना में कुछ खुरपेच करने वाली है, ये बात कही है उमंग सिंघार ने। दरअसल पोस्ट लिखा है आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने लाडली बहना योजना के तहत अजीब सा आदेश निकाला और इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया। पात्र और अपात्र की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें कही और इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो राकेश, एक तरफ 10 जनवरी को जो कि लाडली बहनों के खातों में राशि आएगी, लेकिन इस आदेश के बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है। उमंग सिंघार ने निशाना साधना शुरू कर दिया। देखिए, सीधे तौर पर जो हम बात करें तो 10 जनवरी को बहनों के खाते में, लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए आएंगे, इस बात के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन जो आदेश जारी हुआ है, आदेश जारी होने के बाद विपक्ष हमलावर है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने का ये आरोप है कि जो आदेश है, आदेश में ये कहा गया है कि जो पात्र अपात्र हैं उनकी छटनी की जाए। दरअसल हम पूरे मामले को देखें तो लाडली बहनों के खाते में जो राशि अब तक आती रही है उसमें हर महीने जो लाडली बहना है, जो पात्र हैं, उनकी संख्या कम ज़्यादा हमेशा होती रही है। और ये आदेश को हम उसी तरह से देख सकते हैं कि लगातार जो संशोधन का दौर चल रहा है, जो अपात्र हैं कहीं उनको लाभ तो नहीं मिल रहा, और कई खाते ऐसे हैं जो पात्र होने के बाद में अब तक जो राशि नहीं आ पाई है, तो इस आदेश को उससे जोड़कर देखा जा सकता है। और ये विभाग की ओर से एक बार फिर कहा गया है कि जो पात्र महिला है उनके खातों में ही राशि जाए। लेकिन पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि अब जो उस दौर में जो आरोप लगाती आई है कांग्रेस, उस दौर और अब जा रहे हैं, यानी जो लाडली बहना से हितग्राही हैं उसमें छटनी शुरू की जा रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन सरकार की ओर से बात करें, सरकार ये लगातार कह रही है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी और राशि उसी को दी जाएगी जो पात्र है। पात्र के तहत, जो पात्रता के तहत किसी कैटेगरी में यदि कोई आ गया है तो उसको राशि नहीं मिलेगी, ये स्वाभाविक सी बात हम कह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे खाते हैं जहां पर की पात्रता है लेकिन उनको राशि नहीं पहुंच पाई है, तो उनको राशि दी जाए। लेकिन 10 जो जनवरी है लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी, लेकिन फिलहाल राशि जारी होने से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर, उनकी पात्रता को लेकर लगातार सियासत जारी है। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।